नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रजनों का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। प्रियंका गांधी जी वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही। आपको याद होगा कि जब प्रियंका गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगी, ऐसी भविष्यवाणी कर रहे थे कुछ ज्योतिषी और उनके समर्थक भी। तो मैंने 27 अप्रैल 2024 को वीडियो अपने चैनल पे डाला था, प्रियंका गांधी जी की कुंडली सामने रखकर आकलन करके बताया था कि प्रियंका गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी 2024 में। हाँ, वो संसद जा सकती, संसदीय राजनीति में जा सकती हैं, वो सांसद बन सकती हैं। ये बात मैंने कही थी 27 अप्रैल 2024 को, और एक वीडियो मैंने आज से 2 साल पहले भी डाला था, जहां मैंने प्रेडिक्ट किया था कि प्रियंका गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं बाद में आपको दूंगा। फिलहाल आप 27 अप्रैल 2024 को जो आकलन मैंने किया था, उस आकलन को अब आप दोबारा सुनिए, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा, ज्योतिष में फलादेश करने का कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। अगर आप गंभीरता से ज्योतिष करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, और जो भी कुंडली डालकर मैं आकलन आप लोगों के लिए डालता हूं उसे जरूर देखा कीजिए। और एक अच्छी खबर है कि मेरा चैनल जो है 1.5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, इस पे 1,48,300 के आसपास शायद हो चुके हैं। तो 1.5 लाख करवाने में थोड़ा मदद कीजिए, थोड़ी जल्दी कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जो नए मित्र आ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, और पुराने मित्र जो हैं वो लाइक और शेयर भी कीजिए, नए लोग भी कर दीजिए ताकि सब्सक्राइबर कुछ और मिल जाए। तो 1.5 लाख का जो माइलस्टोन है वो क्रॉस कर जाए तो फिर हम 2 लाख सब्सक्राइबर की तरफ बढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को सुनिए जो मैंने प्रियंका गांधी जी की कुंडली का आकलन करके आपको दिया था, सुनिए और समझिए फलादेश के तकनीक को, ज्योतिष को। एक प्रश्न लगातार मित्र पूछ रहे हैं कि क्या 2024 में कोई महिला प्रधानमंत्री हो सकती है? तो जब वो मित्र ऐसा प्रश्न पूछते हैं तो महिला प्रधानमंत्री के रूप में उनके दिमाग में प्रियंका गांधी जी ही होती हैं, किसी और के बारे में वो नहीं पूछ रहे होते। प्रियंका गांधी जी के बारे में वो एक्चुअली पूछना चाहते हैं। तो इसका आकलन छोटा सा मैं करूंगा आपके सामने कि 2024 में प्रियंका गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने के योग है या नहीं। तो एस्ट्रोलॉजिकली जो भी एनालिसिस होगा वो मैं आपके सामने रखूंगा, आपने विचार करना है, अच्छा बुरा जो भी विचार है आप करें। किसी भी व्यक्ति की सफलता असफलता उसके जीवन में वर्तमान समय में चल रही दशा अंतरदशा पर निर्भर करती है, और कोई तरीका नहीं है व्यक्ति की सफलता असफलता को जांचने का। प्रियंका गांधी जी की मिथुन लग्न की कुंडली है और वृश्चिक राशि की कुंडली है। सर्वाष्टक वर्ग में दशम भाव में 28 बिंदु हैं प्रियंका गांधी के, जो कि बहुत सफिशियंट बिंदु नहीं है दशम भाव की मजबूती के लिए, लेकिन बहुत बुरे नहीं है। एकादश में 32 बिंदु है जो इच्छा पूर्ति का संकेत देते हैं। अब हम आकलन करेंगे वर्तमान दशा अंतरदशा का। वर्तमान महादशा सूर्य की चल रही है प्रियंका जी की, 1 सितंबर 2023 से जो 1 सितंबर 2029 तक चलेगी। सूर्य की महादशा 6 वर्ष तक चलती है, और शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है उनकी, जो 19 जून 2024 तक चलेगी। उसके बाद मंगल की अंतर्दशा शुरू होगी जो चलेगी 25 अक्टूबर 2024 तक। यानी चल रही सूर्य की महादशा, चल रही चंद्रमा की अंतर्दशा और मंगल की अंतर्दशा जो चलेगी जून 2024 के बाद, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सूर्य सूर्य के ही नक्षत्र में है, चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में है शनि के, और मंगल जो है रेवती नक्षत्र में है। सूर्य की महादशा अपने ही नक्षत्र में होने के कारण निश्चित तौर पे प्रसिद्धि दिलाने वाली महादशा
रहेगी, प्रसिद्धि दिलाने वाली महादशा होगी प्रियंका जी के लिए, लेकिन दो कारणों से ये सूर्य बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। पहला कारण तो ये है, मिथुन लग्न में सूर्य अकारक होता है। दूसरा, सूर्य नवतारा टेबल में शत्रु नक्षत्र में है। नवतारा टेबल क्या है, ये वीडियो मैंने आज से 10 साल पहले अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप लोग कहेंगे तो नवतारा टेबल पर फिर से एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो स्थिति है, सूर्य प्लैनेट की सिग्निफिकेशन देखते हैं। सूर्य 3-6+ तीसरे भाव का लॉर्ड है और छठे भाव में वो डबल कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि सूर्य यहां कस्प में देख सकते हैं आप, छठे भाव में है, ठीक है। और सूर्य की महादशा जो है छठे भाव से इतना स्ट्रांग कनेक्शन होने की वजह से काफी स्ट्रगल वाली महादशा रहेगी, यानी स्ट्रगल प्रतियोगिता का सामना उनको करना पड़ेगा, लेकिन सूर्य का कोई विशेष संबंध सत्ता और दशम भाव से नहीं है। लेकिन चंद्रमा की जो अंतरदशा चल रही है, चंद्रमा का कॉम्बिनेशन आप देखिए, 2, 5, 8, 9, 11 चंद्रमा द्वितीय है, चलित में चंद्रमा पंचम भाव में है और चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है अनुराधा में, और शनि यहां चलित में आप देख सकते हैं एकादश भाव में है, लेकिन शनि अष्टमेश भी है। फिर भी चंद्रमा की जो अंतरदशा है 19 जून 2024 तक चलेगी। चंद्रमा की अंतरदशा 5-11 का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना रही है, जो इच्छा पूर्ति का संकेत देती है। और मंगल इसके बाद जो आएगा, मंगल 1, 4, 6, 9, 11 का कॉम्बिनेशन बना रहा है। मंगल नवम भाव में है और मंगल एकादशेश और छठे भाव का लॉर्ड है, तथा मंगल बुध के नक्षत्र में है। अब देख सकते हैं यहाँ प्लैनेट डिग्री की स्थिति में मंगल जो है रेवती नक्षत्र में है। तो बुध छठे भाव से संबंध बना रहा है लग्नेश और चतुर्थेश होकर, मंगल की अंतरदशा में भी कोई विशेष बेहतरीन स्थिति नहीं बन रही है। 9-6 प्रतियोगिता कंपटीशन, मंगल एकादशेश तो है लेकिन नक्षत्र के माध्यम से कोई बहुत बड़ा प्राप्ति, बहुत बड़ी प्राप्ति नहीं दिखा रहा है। उसके बनीबस्त चंद्रमा की जो अंतरदशा है सफलता दिलाने वाली है, इस वक्त जो चल रही है 20 दिसंबर 2023 से चलेगी 19 जून 2024 तक। ये चंद्रमा की अंतरदशा प्रियंका गांधी जी के लिए सफलतादायक अंतरदशा रहने वाली है, लेकिन ये अंतरदशा उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बना रही, मेरे अपने ओपिनियन के अनुसार। क्योंकि चंद्रमा की अंतरदशा नक्षत्र के माध्यम से एकादश से कनेक्शन बना रही है, इच्छा पूर्ति होगी, एकादश भाव से संसद, पार्लियामेंट, विधानसभा सबका विचार करते हैं, तो प्रियंका गांधी जी अगर चुनाव लड़ेंगी तो चुनाव जीतकर वो संसद में जरूर जा सकती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बन जाएंगी कुंडली में ऐसा संकेत तो नहीं दिख रहा। ये जो चार्ट आपको नजर आ रही है ये कस्प चार्ट है आपके सामने, रियल लग्न जो यहाँ है, तो ये समझ लीजिए सूर्य बुध और जुपिटर जो लग्न में सप्तम में नजर आ रहे हैं वो केपी पद्धति के अनुसार सूर्य बुध और जुपिटर तीनों छठे भाव में हैं, और चंद्रमा जो छठे में था लग्न से वो पंचम में है। वृश्चिक राशि है इनकी भी, तो वृश्चिक राशि के संबंध में मेरा फलादेश थोड़ा नेगेटिव ही है। मोदी जी की वृश्चिक राशि है, नीतीश कुमार जी की वृश्चिक राशि है, भाजपा की कुंडली की वृश्चिक राशि है, तो आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं। वृश्चिक राशि के परिप्रेक्ष्य में बहुत बेहतरीन स्थिति कुंडली की नहीं बनती है। जिनकी जिनकी वृश्चिक राशि है वो इस वक्त काफी स्ट्रगल कर रहे होंगे, स्ट्रगल कर रहे हैं। गोचर में शनि का ढैया वृश्चिक राशि के जातकों को उतनी सफलता नहीं दिला रहा, हालांकि प्रियंका गांधी की चंद्रमा की अंतरदशा उन्हें सफलता का योग बना रही है। और आपके ज्ञानवर्धन के लिए कह दूं मैं,
कि दशा महादशा का असर जो होता है किसी भी व्यक्ति पे 80% होता है, गोचर का असर सिर्फ 20% होता है। तो दशा अंतरदशा अगर अच्छी चल रही हो तो गोचर में बिगड़ी हुई स्थिति उतना ज्यादा नुकसान नहीं कर पाती। दशा अंतरदशा अगर खराब हो, गोचर में भी स्थिति बिगड़ी हुई हो, तो ज्यादा नुकसान जातक को उठाना पड़ता है। ये एस्ट्रोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है आपके सामने। बाकी ज्यादा दिन दूर नहीं है, जून महीने में पता चल जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है। लेकिन मेरे अपने मत के अनुसार प्रियंका गांधी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग मुझे नहीं नजर आ रहा। बाकी आपके ऊपर विचार छोड़ता हूं। जो दूसरे ज्योतिषी हैं जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेते हैं, वो इस कुंडली को देखें, समझे और ये भी समझे कि मैं क्यों, क्या, किस लिए कह रहा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें।